हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, मैं लेके आया एपिसोड नंबर 80, कल की बात आज। यस, ये आप ही का चहेता एपिसोड जिसमें हम एडवांस में बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, और एक नया सीरीज निकाला है आप लोगों के लिए जो एडवांस में हम लोग कॉल्स देते हैं गोरिल्ला कॉल्स के नाम से, राइट? तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे। उससे पहले रिकैप देख लेते हैं कि कल रात को क्या वीडियो बनाया था और आज मार्केट में किस तरह से काम किया, कौन कौन से स्टॉक चले, कौन कौन से ना चले, जिससे कि हमारे जो नए फॉलोअर्स हैं, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, उनको समझ में आए फॉलो करना है तो किसको करना है और नहीं करना है तो किसको नहीं करना है। चलिए गाइस, सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको, और स्पेशल कल मैंने आपको दो चार्ट बना के दिए थे जिसका नाम है गैन थ्योरी के बेसिस पे। ये चार्ट बनता है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, 5 मिनट में बना के दिए थे। और देखते हैं, कल क्लियर कट चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के वीडियो में बोला था ये लेवल्स बनाए हैं एडवांस में, कल देखते हैं क्या है। मैंने खुद भी आपको बताया था कि कल के वीडियो में जाके देखो, ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा, बोला था कि भैया मेरी कुछ पोजिशन होल्ड है, और आज बूम बड़ा का बूम, राइट? तो देख लीजिए निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल कल किस लेवल पे बोला था, क्लियर कट मेंशन भाई, क्लियर कट मेंशन, इतना चिक चिक के कोई नहीं चिल्लाएगा। अगर लोअर लेवल, कल आप डरे हुए थे, कल मार्केट जब नॉन स्टॉप आर्ली चार्ट लगाना, दहशत मिलेगी, दहशत, रेड 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 रेड, रियल ब्लड बात हुआ था कल मार्केट के अंदर, राइट? और आज अचानक से तेजी, क्यों? यही ऑपरेटर का गेम है, किस तरह से आपको पैनिक करा, आपके अंदर दहशत पैदा करी और अगले दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर खींच दिया। तो अगर मान लो आपने शॉर्ट सेलिंग करी होगी तो आज डर के मारे निकल गए होंगे, तो क्या रणनीति होगी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले लोअर लेवल नॉट इंटरेस्टेड टू सेल अबव 430, जानना चाहोगे अबव 430 क्या धमाका दिया है? ये देख लो भाई, अबव 430, लुक एट दिस, मार्केट जब खुला यहां पे 430 के पास खुला, 11,430 से नॉन स्टॉप 587 के आसपास का लेवल, और 587 एमई, आओ वो भी झलक मार लेते हैं सर। ये देखो 11,570 भाई, 17 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट 570 के पास रिस्पेक्ट करके चल नीचे, कहां ऊपर जा रहा है, चल नीचे। 527 का पहला टारगेट था अच्छी, 570 का दूसरा टारगेट था अच्छी, 430 पे बाई करने का बोला था भाई, खुद कैलकुलेट करो 100 पॉइंट निफ्टी में जिसमें आपका पसीना निकल जाता है 20-25 पॉइंट करने के लिए। और आपने नोटिस किया होगा बड़े बड़े एनालिस्ट जो आपको 20-25-15 रुपए का देते हैं, मोटा क्वांटिटी खेलते हैं, 10-15 रुपए में निकल जाते हैं और बोलते हैं ये देखो हमने कमाया। भाई पैसा बड़ा सोचोगे तब बनेगा, क्योंकि वी आर अ रिटेल ट्रेडर्स। मैं आपको सिखाने की बात कर रहा हूं, मैं आपको एजुकेशन की बात कर रहा हूं, सीखो भैया सीखो, बड़ा सोचोगे तभी बड़ा मिलेगा, नहीं तो गाड़ी तो चली रही है मेरे बड़े भाई। ये देखो, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, आपको बोला गया था बैंक निफ्टी के लेवल्स में कहां पे, साइकोलॉजी बताई थी, बाजार में न्यू हाई लगेगा, या फिर कल का वीडियो देख लेना भाई जो लोग मिस करते हो, एनीवे भगवान ही मालिक है। दूसरा 23,550-156,900 का लेवल था, कल गैप अप ही खुला है और बोला था 20,900 के ऊपर ये तेज होगा, इट विल बी जूम टू किस 24,256-24,670। तो आज भी मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखा देता हूं बड़े भाई, ये देखो बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, ठीक है? ये देखो बैंक निफ्टी के आज का चार्ट है, मेड हाई ऑलमोस्ट 24,200 का लेवल आया है, 300 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी ऑल्सो यू आर गेटिंग इंट्राडे। अगर सिर्फ मेरे ये ईगल आई व्यू को भी फॉलो कर लोगे तो भी पैसा बन जाएगा, फिर भी बोलते हो पैसा नहीं बन रहा, पैसा तो बन रहा है, बनाना नहीं आ रहा ये बोलो। और देखो निफ्टी फ्यूचर्स, ये देखो निफ्टी का लेवल्स, वही चार्ट था, कहां तक आया इसने, कल यहां पर क्लोजिंग दी थी, ठीक है, और देखो इसी के आसपास खुला, और देखो यहां के बाद कौन से आर्क तक गया, 587 इस आर्क तक गया, यानी कि 1 2 3
थर्ड आर के बाद इसने रिट्रेचमेंट करी है और यहाँ पे आके इसकी गाड़ी 530 के आसपास अटक गई है। हो सकता है कल गैप डाउन खोलेगा, 11,500 के आसपास खोल सकता है, हो सकता है कल गैप अप खोलेगा। अगर जहां पे भी खोला और ये आर के ऊपर निकलेगा भाई, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, 11,660। अब आप बोलोगे ये 11,660 कहां से आया? मेरे बड़े भाई मैं तो पहले ही दे देता हूं लेवल, आज देखना 660 का कुछ गेम है, मैजिक नंबर है कि नहीं है। एनीवे आप समझदार हो, ये देखो बैंक निफ्टी का, ठीक है, कहां तक रैली आई, 24,200, ये देखो 24,000 का 200 इसी लाइन तक है। दिस इज द पावर ऑफ गैन थ्योरी, दिस इज द पावर ऑफ डब्ल्यू डी गैन, अच्छे अच्छों का पानी निकल जाता है इसको लगाते लगाते। भाई आप लोगों को कॉमेडी लग रही होगी, मेरे भाई मेहनत तो करोगे तभी पैसा मिलेगा, इसको भी सीखने के लिए बहुत मेहनत करी है। अभी भी मैं जीरो हूँ, अभी भी मैं जीरो हूँ। ये इतना बड़ा नॉलेज है, समंदर है ये गैन थ्योरी। भाई सीखोगे, यहाँ पे बैठा हूँ 13 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ तो भी समझ में नहीं आ रहा, तो भी कोशिश कर रहा हूँ, सोच लो आप। और आप कितना एक्सपीरियंस लेके बैठो, दिमाग का ढक्कन खोलो और 10 बार नहीं 500 बार कम से कम सोचना। ये एडवांस लेवल बताए थे आपको, बताऊंगा मैं ये गोरिल्ला स्ट्रेटेजी के बेसिस पे जो कॉल्स निकाली है एडवांस थ्योरी, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो MRF कल BTST बोला था, आज 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट मिले, और लिख दिया था सुबह सुबह मैसेज में, टेलीग्राम में लिख दिया था कि भैया इस लेवल पे आए तो कीप बुकिंग योर प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेडर जो आज के BTST करके गए हैं, और एग्जैक्ट वही है, 12-13 हजार का प्रॉफिट आया। अब मैं बात करता हूँ कल की ध्यान से सुनिएगा गाइस। ये तो हो गया पास्ट परफॉर्मेंस, सर भूल जाओ क्या हुआ पास्ट, अब फ्यूचर की बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर्स। 11,527 प्ले क्लोज्ड है, यस अबव 590 का लेवल जो हडल है, 11,630 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और हडल। Yes, below 11,470, panic up to 390-347. Yes, mark my word, any decline, फिर बोल रहा हूं, any decline, buy and sit relax. Levels with stop loss 247-1170 and buy. Any decline. Range में काम करेंगे, कल भी बोला था वीडियो में, रेंज में काम करेंगे। Anyway भाई, बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं, 23,945 हडल जो रहेगा इसका, 24,256 का जो कल भी दिया था और आज दोबारा दे रहा हूं, मेरे लेवल्स बार बार चेंज नहीं करता हूं। वंस क्रॉस एंड नॉट ब्रेक 23,870 इट विल, वंस क्रॉस कल का लेवल बता रहा हूं, 590 के नीचे जाता है तो 370-256 तक का लेवल है, फिर इस लेवल पे हम लोग बाई करने का सोचेंगे। वीडियो को थोड़ा दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा, मुझे पता आपके अंदर कंफ्यूजन आ गया है। एनीवे गाइस, ये कल का परफॉर्मेंस है जो कल दिया था, और आपको बोला था कि एक हफ्ते के लिए मेरा ये जो गोरिल्ला कॉल है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिप्स दे रहा हूँ, जिससे कि आप पैसा कमाने का सोचो और सीखने का सोचो, किसी टिप्स वाले को पैसा ना देना पड़े। एनीवे गोरिल्ला बाय KSEL नॉट एक्टिवेटेड, बजाज फिनसेवर नॉट एक्टिवेटेड, सीमेंस फुल्ली एक्टिवेटेड, 1140 का आप देखो 1140 टच किया, वहां से इंट्राडे कल ही कल में 1186 का हाई मेड अ हाई। अब आप कैलकुलेट कर लो कितने पॉइंट्स का होता है, 46 पॉइंट्स वी आर गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। अल्ट्रा सैम को 3855 पे बोला है, लो जाके चेक करना, एक्टिवेट हुआ हमारा लेवल और उसके बाद मेड हाई 3937। नाउ यू कैलकुलेट हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी कम अराउंड, आपके ऊपर है। MRF ऑलमोस्ट बोलने की बात ही नहीं है मेरे बड़े भाई, ऑलमोस्ट 1100-1200 पॉइंट का मिला है इसमें भी प्रॉफिट, जय माता दी। अब दो नए फ्रेश गोरिल्ला कॉल्स लेके आया हूं जो कल के लिए रडार पे रखना, देखना मेरे भाई ये सारे लेवल्स देखो, 1 2 कॉल नंबर 1, कॉल नंबर 2, कॉल नंबर 3, कॉल नंबर 4, कॉल नंबर 5, ये हमारा आइडेंटिफाई रहेगा, कॉल नंबर 6, कॉल नंबर 7। और मैं चाहता हूं मेरे ट्रॉलर्स, खासकर मेरे ट्रॉलर्स
जो बिना वीडियो देख के डिसलाइक का बटन दबाते हैं, उनके लिए मेरा ये आपसे एक होमवर्क है। दम है तो रोक सको तो रोक लेना, और ये कॉल जरा कैलकुलेट करना कौन सा लेवल क्या है। अगर स्टॉप लॉस हुआ कमेंट सेक्शन में बताना, सर ये कॉल में स्टॉप लॉस हुआ है। आपके बताने से पहले अगर मेरा कॉल स्टॉप लॉस होगा मैं दूंगा नहीं दूंगा, आप रेक्टिफाई करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ। और टारगेट हुआ, देखो डंके की चोट पे बोल रहा हूं सर, एक्यूरेसी लेवल 80% प्लस रहेगी इस स्ट्रेटेजी, इवन ज्यादा है, 100% कुछ नहीं होता है, बट स्टिल आई विल टॉक अबाउट 70-80% से भी पैसा बन जाता है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं 80-90% का एक्यूरेसी लेवल दे दूंगा आपको। मैं चेक करो टोटल कॉल 7, और जो जुबली हैंड दिया था, LNTFH दिया था, वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, वो आपके लिए गिफ्ट था मेरे से। अब फ्रेश लेवल से कॉल करो, क्योंकि वीडियो के माध्यम से डाल रहा हूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। किंग रिसर्च से पंगा लेना है या नहीं लेना है, या फिर रियली किंग रिसर्च लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, या रियली किंग रिसर्च में दम है और वाकई में वो कुछ चीज़ दे रहा है, आप लोग डिसाइड करो। खासकर मेरे ट्रॉलर्स, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है, उनको प्रूफ करने जरूरत नहीं है, बट जो मेरे ट्रॉलर्स हैं गाइज, हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ एक्सेप्ट करना, कमेंट सेक्शन में लिखना आई एक्सेप्टेड कॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये 6 और 7 आज दो फ्रेश लेवल्स के ITC और जयकॉर्प भी दे दिया है, बाकी ये सब देखते हैं क्या रहा। एक हफ्ते की वैलिडिटी जिस दिन दूंगा उस दिन से एक हफ्ते की वैलिडिटी रहेगी, अगर एक्टिवेट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कॉल को क्लोज कर देंगे, बात खत्म। रूल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए ऑलरेडी कैमरेला हिडन लॉजिक के ऊपर मैं दे चुका हूं, ये टेम्पलेट है, आप यूट्यूब में जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ किंग रिसर्च, जो मैंने अपने सीक्रेट पिटारे से निकाल के आपको एज अ गिफ्ट दिया है, क्योंकि आपने मुझे गिफ्ट दिया था सिल्वर बटन का, उसी के उपलक्ष्य में मैंने आपको एक पावरफुल स्ट्रैटेजी दी है। इसके 2-3 पार्ट और हैं MCX के अंदर भी, इसके अंदर रिवर्सल का भी है, वो भी मैं दूंगा, बट आपसे एक प्यार चाहिए सर, ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और पहुंचा दो 1,25,000 सब्सक्राइबर। अभी 1,19,000 ऑलमोस्ट 1,20,000 है, यानी कि 5,000 सब्सक्राइबर और चाहिए, मैं एक और आपको स्ट्रैटेजी दे दूंगा, ठीक है। और मेरे बड़े भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये तो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, सीखने का सोचो। जरूरी नहीं कि हैरी से सीखो, जरूरी नहीं कि हरिंदर साहू से सीखो, जरूरी नहीं कि किंग रिसर्च से सीखो, जिसके पास आपको समझ में आती है, जिसको भी आप फॉलो करते हो, मेरा रिक्वेस्ट है टेक प्रॉपर एजुकेशन और सीखना उससे है। ध्यान से सुनना, जो खुद मार्केट में ट्रेड करता हूं, उससे सीखना है, अदरवाइज आपको मार्केट में हजारों की तादाद में किताब से पढ़ते हैं आपको सिखा देंगे, किताब से पढ़ के आपको सिखा देंगे, फिर आप बोलोगे यार किताब में और आप में क्या अंतर है। मेरे भाई, जो किताब लिखने वाला है वो भी तो एक ऑपरेटर ही है, दिमाग लगाओ, जो किताब लिख रहा है वो बड़ा प्लेयर ही तो है, उसने अपना कॉन्सेप्ट लिखा है, अपना अप्रोच लिखा है, तो थिंक लाइक अ बिग शार्क। बड़े आदमी को पता है कि आप कैसे ट्रेड करते हो, क्योंकि आपने वही घिसी पिटी किताबें पढ़ी हैं, आपने उसी की किताब पढ़ी है। आपने अगर मेरी किताब पढ़ी है तो मुझे पता है ना कि आपने मेरी किताब पढ़ी है। यूज योर ब्रेन, तो आप में और उसमें डिफरेंस क्या है, समझ में आया। तो उसने वो दिया है जो आपको दिखाना चाहता है, बट आपने कभी गौर किया, किताब पढ़ा और चालू जाते हो? नहीं भाई, पैसा बनेगा साइकोलॉजी से। कौन सी साइकोलॉजी से? जिस बंदे ने किताब लिखी है उसके थॉट प्रोसेस सोचो, वो क्या दिखाना चाह रहा है। जिस दिन वो थॉट प्रोसेस आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड 60% साइकोलॉजी मार्केट में काम करता है। कोई बड़ा सा बड़ा प्लेयर हो, आप उससे पूछ लेना मार्केट में साइकोलॉजी कितना परसेंट काम करता है, आपको यही बोलेगा 50% प्लस साइकोलॉजी काम करता है, रिमेनिंग 20% स्टॉक सिलेक्शन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ, एंड रिमेनिंग 20% स्ट्रैटेजी, जो मैंने आपको 10 से 12 YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। ये लास्ट में जो प्रवचन देता हूं ना, प्लीज सुन लेना मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको मछली पकड़ना सिखाना चाहता हूं, मैं आपको मछली खिलाना नहीं चाहता कि आओ मुंह खोलो लो खाओ मछली। नहीं भाई, सीख लो, इंडिपेंडेंट बन जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ, ये मेरा अभियान है कि भैया खुद सीखो, आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा, किसी से भी सीखो, जो खुद ट्रेड करता है उससे सीखो, बट बिना एजुकेशन लिए स्टॉक मार्केट में 1 रुपये नहीं लगाना। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मेरे पास तो 10,000 है, कैसे सीखूं मैं, फिर ट्रेड कैसे करूंगा। मेरे बड़े भाई, चाहे 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 50,00,000 हो, बिना सीखे पैसा कमा सकते हो क्या?
सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। तो पहले सीखो, बिना एजुकेशन किए आज जिस लेवल पे आप बैठे हो क्या पहुंच सकते थे क्या? 12-15 साल क्यों एजुकेशन ली? पहले दिन से चौके छक्के मार लेते? पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। तो फिर स्टॉक मार्केट को हल्के में ले रहे हो, गलती से भी मत सोचना नुकसान कर बैठोगे। सीखने का सोचो, अगेन सीखो सीखो सीखो, प्रोफेशनल ट्रेडर से सीखो, बात खत्म। थैंक यू सो मच कर। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, मोटिवेशन अच्छा लग रहा है, लाइक देना, सब्सक्राइब देना, खूब सारा प्यार देना गाइस। और प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट है, घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके आजू बाजू बहुत सारे पेट्स हैं सर, कुत्ते बिल्ली जानवर जो भी हैं, प्लीज़ उनको एक बिस्किट का या फिर एक रोटी कुछ ना कुछ दीजिए सर, उसका मजा ही अलग है। लाइफ से हट के थोड़ा सा ये करेंगे उसका लेवल ही नेक्स्ट लेवल का आएगा। अब आप बोलोगे सर आप तो मना कर रहे हो घर पे रहिए, मेरे भाई घर पे रहिए, स्टे सेफ रहिए, लेकिन चिड़ियों को दाना तो डाल सकते हो छत पे, इतना तो कर सकते हो, प्लीज़ कम ऑन। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, लव यू ऑल। कल मिलता हूँ 9:15 पे शार्प लाइव कॉल के साथ। थैंक यू।